अगर आप अपने पीले दांतों से परेशान हैं, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में खाना फंसा हुआ है, उसके वजह से मुंह में बदबू आती है, तो इन सब के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा पेस्ट बना के लेकर आई हूँ, वो है चारकोल का पेस्ट। इस चारकोल के पेस्ट को अगर आपने 7 दिन कर लिया, 100% रिजल्ट इसका, और आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि आपको इससे कितना फायदा मिला है। सो फ्रेंड, इस रेमेडी को जानने के लिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे मैंने चारकोल पाउडर लिया है। फ्रेंड, चारकोल पाउडर यहाँ पे मैंने आधी चम्मच लिया है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड, चारकोल पाउडर दांतों का जो पीलापन होता है उसको हटाने का ना काम करता है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है या फिर मुंह में बदबू भी आती है दांतों की सड़न और दांतों के पीलेपन से, तो वो भी ये चारकोल पाउडर खत्म कर देगा। इसके साथ ही अगर आप सिगरेट या कोई भी किसी भी तरह की सुपारी खाते हैं तो उसे तुरंत बंद करना होगा आपको, क्योंकि ये सब दांतों को सड़ाने और पीलेपन का ना काम करते हैं। तो हो सके इन सब को बंद कर दें और कुछ दिन ये चारकोल वाला पेस्ट जरूर करके देख लें। आप खुद फील करेंगे कि आपके जो दांत हैं वो 7 दिन में बहुत ज्यादा चमक गए हैं, सफेद हो गए हैं और एक नेचुरल व्हाइट कलर आपको मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साइंटिस्ट भी बोलते हैं और उनकी रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप चारकोल का पेस्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। और आजकल तो चारकोल के पेस्ट भी आ गए हैं, ये आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपने करा भी होगा। अगर आप नेचुरल घर पे ही बना करके चारकोल का पेस्ट करेंगे तो आपको दुगना क्या 10 गुना फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच के करीब चारकोल पाउडर लिया है, तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, पर आपको पूरा आधा नींबू नहीं डालना है, आपको इस केवल 3 से 4 ड्रॉप डालनी है, ज्यादा नहीं डालना है। ज्यादा डालेंगे तो दांत बिल्कुल खट्टे हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप नींबू की ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, नींबू में ना एसिड लेवल ना बहुत ज्यादा हाई होता है, जो दांतों को ब्लीचिंग का ना काम करता है। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले पड़ गए हैं और आप इन दोनों के मिक्सचर को अपने दांतों पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी काम करेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो नींबू है, आप जब खाना खाते हैं तो कई बार हमारा जो खाना होता है ब्रश करते टाइम भी नहीं निकल पाता है और वो दांतों में फंस करके सड़ जाता है और उसमें बदबू आने लगती है। तो ये नींबू जो दांतों में फंसा खाना होता है उसको निकालने का काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 बूंद यहाँ पे मैं नींबू की ऐड करूंगी है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप इसकी ऐड कर दी है। इसके साथ ही अब हमको जो थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, पेस्ट। आप कोई भी ब्रांड का पेस्ट ले सकते हैं, कैसा भी पेस्ट हो आप वो यूज कर सकते हैं, वो चाहे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला हो या फिर बिना आयुर्वेदिक वाला हो, और कैसा भी हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूंगी, जितना आप पेस्ट करते हैं मॉर्निंग में आपको उतना ही पेस्ट इसमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे उतना ही पेस्ट लिया है जितना आप मॉर्निंग में करते हैं, आपको उससे ज्यादा पेस्ट नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो ये पेस्ट नींबू और जो हमने इसमें चारकोल पाउडर मिलाया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक जो टूथपेस्ट के फॉर्म में आ जाए ताकि आप अच्छे से ब्रश कर सकें। फ्रेंड, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे मैंने टूथपेस्ट इसलिए मिलाया है ताकि आप अच्छे से ब्रश कर सकें, क्योंकि अगर आप नींबू और चारकोल को मिलाकर के ब्रश करेंगे तो इतने अच्छे से ब्रश नहीं होगा और आपके दांत इतने अच्छे से साफ नहीं होंगे, इसलिए मैंने मिलाया है ताकि झाग बने और पूरा ये जो पेस्ट है आपके दांतों में अच्छे से लगे और आप अच्छे से घुमा करके अपने दांतों को ब्रश कर सकें। तो ये आपको उतना ही मिलाना है जितना आप रोज ब्रश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमारा चारकोल पेस्ट तैयार है, आपको ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब आपको क्या करना है, एक ब्रश लेना है। आप जैसा भी ब्रश लेते हैं वो ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, आपके दांतों में बिल्कुल भी चुभना नहीं चाहिए। आप ऐसा ब्रश यूज करें कि आपके बिल्कुल हार्ड उसके जो ब्रिशल्स होते हैं वो बिल्कुल हार्ड ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिशल वाला आप ब्रश यूज करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को लेंगे
अच्छे से लीजिए, जैसे आप मॉर्निंग में पेस्ट करते हो। और आपको क्या करना है, इस ब्रश से आपको रोज सुबह और शाम ब्रश करना है 2 से 3 मिनट के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप सुबह जब ब्रश करेंगे तो चाय कॉफी पी करके ब्रश बिल्कुल भी ना करें। सुबह उठिए, सबसे पहले ब्रश करिए, उसके बाद ही आप चाय कॉफी पीजिए। आपको ब्रश 2 से 3 मिनट करना है। ब्रश करने के दौरान ध्यान रखिए कि ये पेस्ट आपके पूरे दांतों में घूमना चाहिए। अच्छे से दांतों में ब्रश करिए 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद कुल्ला करिए। उसके बाद आप जो भी खा सकते हैं पी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको शाम को करना है। शाम को आपको कैसे करना है, खाना खाइए, डिनर करिए रात का, जब आप सोने के लिए जाएंगे तब आपको इसका ब्रश करना है। आप इस पेस्ट का ब्रश सुबह और शाम करके देखिए, 7 दिन में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। 7 दिन में आप खुद देखेंगे कि जो आपके पीले दांतों की परत है वो धीरे धीरे हट रही है और आपके नेचुरल व्हाइट कलर दांतों में आ रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, इस रेमेडी को आप स्टोर करके बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें नींबू मिलाया है और पेस्ट मिलाया है, सब सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। जब आप ब्रश करने जाएंगे सुबह, तब भी आप इस रेमेडी को बनाइए और तुरंत ही ब्रश करिए, स्टोर करके बिल्कुल भी ना रखें। केवल आप 7 दिन करके देखिए, 7 दिन में ही आपको फायदा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा उपाय, जरूर करके देखिए, इफेक्टिव उपाय है, 100% रिजल्ट है इसका। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।